you. Honorable Finance Minister. Thank you, thank you. Vishwambar Prasad Nishad ji, 4 minutes. कितने? Four. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मुझे रेल मंत्रालय के बजट पर चर्चा के लिए हमारी पार्टी ने मौका दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ. महोदय, रेलवे का बजट पहले अलग से होता था, पूरे देश की निगाहें रहती थी कि आज रेलवे का बजट होने वाला है. टीवी पे लोग बैठे रहते थे, कितना किराया कम हो रहा है, कौन सी नई ट्रेन किस एरिया में चलाई जा रही है, उसके लिए बड़ी बेसब्री के साथ लोग इंतजार करते थे. लेकिन जब से एनडीए की सरकार आई और मेन बजट के साथ मर्ज कर दिया तो लोगों में हताशा और निराशा हुई है. रेलवे सबसे ज़्यादा लोगों को, करीब 2.5 करोड़ लोग जो है प्रतिदिन जो है इसे यात्रा करते हैं और सुलभ और सस्ता यात्रा का साधन है, जिससे लोगों को जो है अपने गंतव्य स्थान पहुँचते हैं. इस समय जो सबसे बड़ी समस्या मांग आ रही है कि रेलवे को जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ किया जा रहा है, सारे सेक्टर प्राइवेट की तरफ, सफाई से लगाकर पटरी की मरम्मत से लगाकर जितने भी काम होते हैं सारे प्राइवेट की देने की बात चल रही है. तो एक तरफ तो बेरोजगार हताश हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आरक्षण का नुकसान होगा. जो रेलवे बोर्ड भर्ती करता था उसमें आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी थे, एससी एसटी ओबीसी के लोग थे, उनका नुकसान किया जा रहा है. और कुछ चंद्र उद्योगपतियों को जो है ये रेलवे की सारी बेशकीमती ज़मीन देने का काम किया जा रहा है. महोदय, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ. बुंदेलखंड के लिए कोई विशेष इस बजट में, रेलवे बजट में ट्रेनों के लिए उसके लिए नहीं दिया गया है. उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास नहीं है. और इसमें जो लॉकडाउन के समय जो कुली हमारा भार लेके दौड़ते हैं, माननीय रेल मंत्री जी, कुलियों के लिए कोई 1 रुपया भी आपने नहीं दिया. बेचारे बहुत से लोग अपने घर चले गए, वापस चले गए. मैंने पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा था. रेल मंत्री कोई ध्यान नहीं. कोरोना काल में रेलवे वेंडर और जो रेलवे वेंडर थे, रेलवे छोटे छोटे स्टेशनों में छोटी छोटी दुकान लगा करके पानी से लगा खाने पीने का सामान देते थे, उनका बहुत बुरा हाल रहा और वो हताश और निराश रहे. जो प्लेटफार्म का टिकट 10 रुपये मिला करता था, आज 30 रुपये कर दिया गया है. आज तो ऐसी इमरजेंसी लगा दी गई कि कोई रेलवे स्टेशन में घुस नहीं सकता है. आरपीएफ के जवान और टीटी सब खड़े रहते हैं, कोई एक भी व्यक्ति नहीं जा सकता अंदर. इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है. पहले लोग गाँव से चलते थे दोपहर में, वही रेलवे स्टेशन में बैठते थे, इंतजार करते थे, खाना खाते थे और जब ट्रेन आती चलते थे. और अब निश्चित कर दिया गया है कि 10 मिनट ट्रेन के आने के पहले ही स्टेशन में प्रवेश होगा. बहुत से लोगों की यह ट्रेनें छूट जाती हैं, इतनी ये स्थिति है. हमारे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पिछली बार जो है रेलवे फूड पार्क की बड़ी ज़ोर शोर से चर्चा हुई थी, खूब स्वागत हुए थे. हमारे माननीय मंत्री जी भी हैं वहाँ. लेकिन माननीय मंत्री जी, अभी रेलवे फूड पार्क का कोई अता पता नहीं है जो घोषणा हुई थी. मैं कुछ मांग अपने क्षेत्र की करना चाहता हूं, जैसे झांसी खैरार और खैरार मानिकपुर खैरार भीमसेन, वहां रेलवे लाइन का जो काम चल रहा है धीमी गति से चल रहा है कुछ क्षेत्र में, उसको तेज़ किया जाए. फतेहपुर रेलवे स्टेशन में सियालदह अजमेर एक्सप्रेस का ठहराव की मांग करता हूं. कानपुर से फतेहपुर होकर मुंबई जाने वाली जो स्पेशल ट्रेन चल रही है उसको रेगुलर किया जाए. निशाद जी, कंक्लूड करना पड़ेगा. बस 2-3 मांगे, वही मांगे और कोई खास वो नहीं है. पहले हम सुना करते थे कि लोग रास्ता अनजान रास्ते में जाते थे, लोग रास्ता भटक जाते थे. माननीय मंत्री जी के ज़माने में ट्रेनें रास्ता भटक गई, पता नहीं जाना दिल्ली था कहाँ चली गई. ये ऐतिहासिक घटना हुई है, माननीय मंत्री जी इसको सुधारना पड़ेगा अपने विभाग को. और मेरे क्षेत्र की जो मांगे हैं मैं वो बता दूँ. गतिमान और ताज एक्सप्रेस को चित्रकूट मानिकपुर तक चलाया जाए, बेतवा एक्सप्रेस मानिकपुर से दुर्ग प्रतिदिन चलाया जाए, रिवांचल एक्सप्रेस दिल्ली से कानपुर से बांदा होते हुए रीवा तक चलाई जाए, तुलसी एक्सप्रेस प्रतिदिन चलाई जाए, चित्रकूट कानपुर एक्सप्रेस को बढ़ाकर दरगाह शरीफ बाराबंकी तक चलाया जाए. उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति में सेकेंड एसी और थर्ड एसी के ज़्यादा डिब्बे लगे हैं, उनकी जगह जो है स्लीपर के कोच लगाए जाएँ. उनको
ये मेरी खासतौर पर मांगे हैं और मंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट की तरफ से जा रहा विभाग और विकलांगों के लिए, या आपने जो सीनियर सिटीजन के लिए, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए जो कोटा होता था वो समाप्त कर दिया गया है, और जो मासिक जो टिकट में जो लोग यात्रा करते थे, अप डाउन करते थे, चाहे दिल्ली से गाजियाबाद हो, छोटे छोटे और पैसेंजर ट्रेनें चालू की जाएँ, और रेलवे स्टेशन तमाम वाटर बेंडिंग मशीनें खराब पड़ी हुई, मानो उसमें करोड़ों रुपया रेलवे चला गया, उसको उनको तत्काल चालू कराया जाए। थैंक यू निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद रामनाथ ठाकुर जी, चार मिनट।